तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Realme X डिवाइस में Realme UI 2.0 के F.06 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो वो अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसी के साथ में हम बात करेंगे कि Realme X डिवाइस में Realme UI 2.0 के F.04 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो फाइनली अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि Realme 3 Pro डिवाइस में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है, जिस अपडेट का वर्जन आप लोगों को F.06 का देखने के लिए मिल जाता है। एंड गाइस इस अपडेट का फाइल साइज भी आप लोगों को काफ़ी लंबा चौड़ा देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर फाइल साइज ना आप लोगों को 1.31 GB का देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस ऐसे में ना Realme X एंड Realme XT डिवाइस के जो यूजर्स हैं वो भी कंफ्यूज है कि उनके डिवाइस में F.06 एंड F.04 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सो गाइस इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो गाइस अगर आप भी हैं Realme X एंड Realme XT डिवाइस के यूजर्स तो आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक ज़रूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हमने एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया था कि Realme X एंड Realme XT डिवाइस में फ्यूचर में कोई भी न्यू सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गाइस हमने ना Realme के कस्टमर केयर से बात किए थे। एंड गाइस वो वीडियो में वो क्लिप को भी हम ऐड कर दिए थे, रिकॉर्डिंग को ऐड कर दिए थे। तो गाइस उन्होंने बताया था कि Realme X एंड Realme XT डिवाइस का ना अपडेट साइकिल कंप्लीट हो गया। एंड गाइस इस डिवाइस का ना एंड ऑफ लाइफ हो गया, इट मींस यार Realme X एंड Realme XT डिवाइस में आप लोगों को कोई भी फ्यूचर में सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। हालांकि गाइस उन्होंने Realme 3 Pro डिवाइस के बारे में भी यही बताया था, मैंने Realme 3 Pro डिवाइस के बारे में भी एक अलग से वीडियो बना के एंड गाइस आप लोगों को हम इन्फॉर्म भी कर दिए थे। एंड हम Realme के कस्टमर केयर से भी बात किए थे, तो गाइस उन्होंने बताया था कि Realme 3 Pro डिवाइस का भी अपडेट साइकिल कंप्लीट हो गया एंड उसमें भी कोई भी आप लोगों को फ्यूचर में अपडेट देखने के लिए नहीं मिलने वाला सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स का। लेकिन Realme 3 Pro डिवाइस में F.06 वर्जन के साथ में एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिला, जिस अपडेट का फाइल साइज भी आप लोगों को काफ़ी लंबा चौड़ा देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस तो यहाँ पे Realme X एंड Realme XT डिवाइस के जो यूजर्स है ना वो भी कंफ्यूज है कि उन्हें अपडेट देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सो गाइस ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। गाइस इससे पहले हम बात करते हैं Realme 3 Pro डिवाइस के बारे में कि Realme 3 Pro डिवाइस में अपडेट जो देखने के लिए मिला है तो वो गाइस आप लोगों को ना आपके डिवाइस में बहुत सारे बग एंड इशू देखने के लिए मिल रहा था। सो गाइस यहाँ पे जो Realme 3 Pro डिवाइस के जो यूजर्स है वो Realme के कस्टमर केयर में कॉल करते थे एंड गाइस वहाँ पे बग को बताते थे, जो भी उनके डिवाइस में बग एंड इशू था वो वहाँ पे बताते थे। एंड गाइस तो उन्हें ना यहाँ पे उनके बग एंड इशू को नोट कर लिया जाता था। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि बग को रिपोर्ट भी किए थे। तो गाइस इसी वजह से Realme 3 Pro डिवाइस में F.06 वर्जन का न्यू अपडेट देखने के लिए मिला, जो कि उस अपडेट में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू था उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। इसी के साथ में आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया। इसी वजह से गाइस आप लोगों को ना फाइल साइज काफ़ी लंबा चौड़ा देखने के लिए मिला था, 1.31 GB का फाइल साइज देखने के लिए मिला था। सो गाइस आप लोगों को ना ये जो अपडेट देखने के लिए मिला है तो बहुत सारे Realme 3 Pro डिवाइस के जो यूजर्स हैं जो कि वहाँ पे बग रिपोर्ट करते थे एंड कस्टमर केयर में फ़ोन करके वो अपने डिवाइस के बग एंड इशू को वहाँ पे नोट करवाते थे। सो गाइस इसी वजह से उन्हें ये अपडेट देखने के लिए मिला, एक नॉर्मल सा बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिला। सो गाइस अब बात करते हैं कि Realme X एंड Realme XT डिवाइस में F.06 एंड F.04 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सो गाइस अगर आप भी हैं Realme X एंड Realme XT डिवाइस के यूजर्स, अगर गाइस आपके डिवाइस में बग एंड इशू हो रहे हैं तो गाइस आप भी बग को रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर गाइस आप ना Realme के कस्टमर केयर से बात करके गाइस आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू हो रहे हैं आप उन्हें बता सकते हैं। तो गाइस हो सकता है कि आप लोगों को ना एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए
मिल सकता है। क्योंकि गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, रियलमी के कस्टमर केयर से बात किए थे, तो गाइस उन्होंने बताया था कि रियलमी 3 प्रो डिवाइस का जो है अपडेट साइकिल कंप्लीट हो गया है, उसमें अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि गाइस फिर से अपडेट देखने के लिए मिला F.06 वर्जन के साथ में। तो गाइस वहाँ पर बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि उनके डिवाइस में जो बग एंड इशू था वो वहाँ पर बताते थे, वो फीडबैक देते थे। सो गाइस इसी वजह से रियलमी 3 प्रो डिवाइस में अपडेट देखने के लिए मिला F.06 वर्जन के साथ में, एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिला। सो गाइस अगर आप भी हैं रियलमी एक्स एंड रियलमी एक्स डिवाइस के यूजर्स, तो गाइस आप ना रियलमी कस्टमर केयर को कॉल करके आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू हो रहा है वो वहाँ पर ना आप शेयर कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो गाइस हो सकता है कि आप लोगों के डिवाइस में जो भी बग एंड इशू है वो उसके लिए आप लोगों को ना एक और अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ना जरूर बताना। एंड गाइस ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।